हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों मैं अपने वीडियो कहां पर बनाता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो पूरा का पूरा खेत पड़ा है, और खेत मतलब कि मेरे खेत के बगल से जो है नदी है दोस्तों। तो नदी भी आपको दिख रही होगी, यहाँ जो साइड पर है तो नदी के ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, घर में घर के अगल बगल और मेरे घर में भी सभी लोग रहते हैं, भाई बहन माता पिता सब कोई। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर होता क्या है कि वो लोग बातें करते रहते हैं, तो बातें करेंगे दोस्तों, मैं उनको कह नहीं सकता कि यार आप लोग चुप रहो, मेरा जो डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों वो मेरे घर के लोग हैं, मैं अपने काम की वजह से उनको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए दोस्तों मैं उनको न रुक करके मैं खुद ऐसा जुगाड़ कर लेता हूँ, अपने वीडियो कहीं ना कहीं बना लेता हूँ, जहाँ पर दोस्तों शोर लोगों का बहुत कम होता है और दोस्तों मेरा काम भी हो जाता है, मेरे वीडियो बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि दोस्तों यदि आप लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, एंड दोस्तों यूट्यूब पर काम करने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं बन पा रहा, मतलब कि आपके पास जो है अच्छा बैकग्राउंड नहीं बन पा रहा, एंड दोस्तों आपके पास जो है स्टैंड नहीं है, आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, आपके पास माइक नहीं है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि यार यूट्यूब पर काम कैसे किया जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी यूट्यूब पर काम कर ही रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक स्टैंड है जो कि अभी आप लोग वीडियो पर देख ही सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे पास केवल स्टैंड है और माइक भी है, लेकिन वो घर पर रखा हुआ है, मुझे माइक की जरूरत पड़ती नहीं ज़्यादातर, क्योंकि मैं जब अपने वीडियो बनाता हूँ तो ऐसी जगह बनाता हूँ जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, जहाँ पर शोर शराबा बहुत कम होता है, सब कोई दूर दूर है, आसपास मेरे कोई नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ और एंड दोस्तों यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एंड मैं अपना काम पूरे मन से कर पाता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं अपने जितने वीडियो शूट करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि सभी वीडियो को खेत पर ही शूट करता हूँ, कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो कि मैंने घर पर शूट किए हैं, कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो कि मैंने बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है। दोस्तों सभी प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूं, लेकिन खासकर दोस्तों मैं अपनी वजह से किसी को हर्ट ना करूं, तो इस फ्रेंड्स भले मेरे घर में दिक्कत है, मैं अपने वीडियो नहीं बना पा रहा घर में शोर होने की वजह से, तो फिर भी मैं अपने घर में अपने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहता। एंड दोस्तों अपने वीडियो मैं खुद कहीं और जाकर बना लेता हूँ, कहीं भी मुझे जगह मिली तो वहाँ बना लेता हूँ, अपने दोस्तों के यहाँ भी बना लेता हूँ कई बार। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यदि आप लोग काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर काम किया जाए एंड यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाए, यूट्यूब से कुछ पैसे कमाए जाए, तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ कि आपको यूट्यूब पर काम करने के लिए किन किन चीज़ों की खास कर ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका किसी क्षेत्र पर टैलेंट होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि आपका किसी क्षेत्र पर रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं टैक्स रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ, एंड दोस्तों यदि आप लोग कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं तो कॉमेडी भी कर सकते हैं, कॉमेडी वाली वीडियो बना सकते हैं। एंड दोस्तों आपके पास अगर कोई ऐसा मतलब कि जुगाड़ है जिसके थ्रू मोबाइल का रिव्यू कर सकते हैं, मोबाइल के बारे में बता सकते हैं, मोबाइल के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी है, दोस्तों आप कंप्यूटर मोबाइल के बारे में भी बता सकते हैं। एंड दोस्तों आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, आपको कुक यानी कि खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको खाना बनाने में मतलब कि आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं एंड खाना बनाने में आप टैलेंट भी हैं, आप अच्छा खासा खाना बना लेते हैं, काफ़ी तरह तरह के खाने बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर काम करने से पहले सबसे खास चीज़ यही होती है कि दूसरों को देख करके यूट्यूब पर काम ना करें। क्योंकि दोस्तों यदि दूसरों को देख करके यूट्यूब पर काम करेंगे, मतलब कि मेरा मतलब ये है कि यदि आप लोग सोचते हैं कि वे लोग काम करते हैं तो मैं भी यूट्यूब पर काम करूँ और जैसा वे काम करते हैं वैसा मैं भी काम करूँ एंड पैसे कमाऊँ, दोस्तों ऐसे में आपको सफलता यूट्यूब पर नहीं मिलेगी एंड दोस्तों आपका फालतू समय बर्बाद जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यदि आपका किसी क्षेत्र पर इंटरेस्ट है एंड दोस्तों आप किसी क्षेत्र पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकते हैं, अपने ऑडियंस को अपने वीडियो में अपने वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो ही दोस्तों आप यूट्यूब पर आएँ, यूट्यूब पर काम करें एंड यूट्यूब पर वीडियो बनाएँ। एंड दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि यूट्यूब पर आपका एक चैनल होना चाहिए, जैसे कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यानी कि वीडियो के नीचे देख रहे हैं लिखा होगा RK2 एंड दोस्तों साइड में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये ऐसा आपका भी एक चैनल बनेगा एंड दोस्तों इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ये सब कुछ फ्री होता है। और यदि आपको नहीं पता कि चैनल कैसे बनाते हैं तो मैंने वो वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को जा करके देख लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा उस वीडियो की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वो तीसरी चीज़ यह होती है कि आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है तो यूट्यूब पर काम करने में आपका मन नहीं लेगा, सीधे सीधी बात है, ठीक है ना। दोस्तों यदि आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है कि आप बोया यानी कि माइक और स्टैंड दोनों चीज़ खरीद सकें एंड ग्रीन स्क्रीन खरीद सकें, तो फ्रेंड्स ये सब कुछ एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक स्टैंड खरीद लें, 1400-1500 रुपये का बढ़िया स्टैंड आ जाएगा। यदि आपकी हाइट 5 फुट 6 फुट भी है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 1400-1500 के स्टैंड में ये हाइट कवर हो जाती है, ठीक है ना।
एंड दोस्तों जब आप YouTube से अर्निंग करने लगेंगे दोस्तों, जब आप YouTube से पैसे कमाने ही लगेंगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं।